जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर दोस्तों आप भी स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं रेलवे के, और आपका जो है ऑफर लेटर आ चुका है और आपको री मेडिकल के लिए डेट मिल चुका है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो है री मेडिकल से रिगार्डिंग। जिन लोगों का री मेडिकल ऑलरेडी हाल ही फिलहाल में हुआ है, रेलवे ने जिनका री मेडिकल कंडक्ट कर लिया है और उनको ट्रेनिंग पे जाने का डेट दे दिया है, उन लोगों का क्या कहना है जो अभी री मेडिकल हो रहा है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि समय रहते आप जो है अपने मेडिकल स्टैंडर्ड में अगर कोई कमी है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकें। तो आइए देखते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये फीडबैक लिया गया है उन लोगों से जिनका री मेडिकल हाल ही में कंप्लीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि आप लोग तो मेडिकल क्राइटेरिया से ऑलरेडी गुजर चुके हैं जब पहली बार डीबी और मेडिकल हुआ होगा उस समय, लेकिन अभी जो री मेडिकल हो रहा है ये जो है मेनली आपके हेड ऑफिस के आसपास वाले जो हॉस्पिटल है उसी में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले आपको किसी किसी डिवीजन के हॉस्पिटल में भेजा जा रहा था, लेकिन अभी जो मेडिकल हो रहा है वो बिल्कुल आपके बोर्ड में हो रहा है, ये समझिए। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों का मेडिकल हुआ है उनका यही कहना है कि जाने के साथ में जो है जो यूरिन टेस्ट होता है दोस्तों, उसके लिए आपका सैंपल ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यूरिन टेस्ट के लिए जो है आपका प्रोसेस होने लगेगा, और उसके जस्ट बाद जो है आपको किसी किसी का डाउट था दोस्तों कि क्या जो है ब्लड टेस्ट भी हो रहा है क्या, तो ब्लड टेस्ट जो है रेलवे के जो है जूनियर इंजीनियर वाले कैंडिडेट के लिए तो ब्लड टेस्ट नहीं लिया जा रहा है फिलहाल, जिन लोगों का हुआ है उनका कहना है कि दोस्तों तो ब्लड टेस्ट के लिए दिक्कत कोई नहीं है, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ये आपका ब्लड टेस्ट वहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ यूरिन टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपको रेफर कर दिया जाएगा एक्सरे वाले वार्ड में, फिर वहाँ पे आपका एक्सरे होगा, और एक्सरे के जस्ट बाद जो है दोस्तों आपको भेजा जाएगा आई टेस्ट वाले डिपार्टमेंट में, वहाँ पर जो है आपका जो पावर है आँखों का उसको टेस्ट किया जाएगा जैसे कि पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, सिर्फ वैसे ही होगा, उसके अलावा इसमें जो है आपका कलर विजन टेस्ट भी किया जाएगा, और कलर विजन कैसे होता है आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारा फिगर दिया जाता है, एक बुक होता है कलर विजन टेस्ट के लिए, उसमें से आपको ये पढ़ना होता है, वो लोग पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आपके कलर में कलर विजन में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई टेंशन वाली बात इसमें भी नहीं है। फिर दोस्तों आपका ब्लड जो बीपी जो है ब्लड प्रेशर उसको ये लोग टेस्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंसियरली। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो बीपी होता है ये बहुत ही रेयरली जो है दोस्तों एग्जैक्ट आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का अभी हाल ही में मेडिकल हुआ है उनका जरा सा भी अगर ब्लड प्रेशर इधर उधर हो रहा था तो उनको जो है दोस्तों थोड़ा और अलग से टेस्ट किया जा रहा था, किसी मशीन से जो है जो हार्ट बीट मेजर करता है वो लोग हार्ट बीट मेजर कर रहे थे, और जिनका हार्ट बीट तो और ज़्यादा फ्लेक्चुएबल होता है, अगर उसमें भी किसी को थोड़ा सा भी नॉर्मल से इधर उधर दिखता था तो उन लोगों को दोस्तों ये लोग हॉस्पिटलाइज कर दे रहे थे, वहीं पे भर्ती कर ले रहे थे। भर्ती इसलिए कर ले रहे थे क्योंकि इन लोगों के ऊपर एक प्रेशर था कि 22 अक्टूबर को जो है रोजगार मेला जो लगा था मोदी जी के द्वारा लगाया गया था, उसमें उन सारे कैंडिडेट्स को जो है ज्वाइनिंग लेटर देने थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये लोग हॉस्पिटल में भर्ती करके उसको चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये जो है रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए, अगर कोई मेडिसिन भी देना पड़े तो दे करके नॉर्मल रिपोर्ट बना करके इनको 22 तारीख तक फिट सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ताकि 22 तारीख को रोजगार मेला के तहत इनको जो है ज्वाइनिंग लेटर प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो मेन प्रॉब्लम यही है कि ब्लड प्रेशर पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अगर
बीपी में आपका कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है, अभी भी समय है दोस्तों, आप अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। और उसको ऐसा नहीं है कि मेडिसिन खा करके उसको नॉर्मल करने का प्रयास करें, क्योंकि जिन लोगों का हुआ है उनका यही कहना है कि आप जो है मेडिसिन के सहारे नहीं रहिए, जो डॉक्टर प्रेफर करते हैं, जो खाना जो होता है दोस्तों हेल्दी फूड, उस पे ज़्यादा फोकस करें, जिसके वजह से आपका जो है बीपी कंट्रोल हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी 20-22 दिन समय है लगभग सब किसी के पास, आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ पे आई टेस्ट हो रहा है एक रूम में, वहीं पर दोस्तों आपका जो है, आपको जो हाइड्रोसील का चेकअप है वो करना होगा, वहीं पे देना होगा। वहाँ पे आपको ये लोग थोड़ा कपड़ा उतरवाएंगे और आपका हाइड्रोसील का जो है वो चेक करते हैं। पाइल्स वगैरह का तो सुनने में नहीं आया है कि पाइल्स वगैरह चेक किया जा रहा है, लेकिन हाइड्रोसील ये लोग चेक कर रहे हैं बहुत ही सिंसियरली। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा, माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि पहले आपका मेडिकल हुआ होगा तो उसमें जो है टेस्टिकल्स मुझे नहीं लगता है कि सबका चेक हुआ होगा, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे कैंडिडेट यही कह रहे थे कि वहाँ पे नंगा नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो है आपको नंगा किया जाएगा और वहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि मेडिकल आपके बोर्ड में हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेन बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बीपी है आपका, और जिनको हाइड्रोसिल के प्रॉब्लम है वो भी देख ले, लेकिन बीपी पर ज़्यादा फोकस करें, उसको जो है कैसे भी आप नॉर्मल करके जाइए। हार्ट बीट हो सके तो आप मेजर करवा लीजिए, और ये सारी चीज़ें, इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना है बहुत ही, क्योंकि उन लोगों का जिनका 22 को ज्वाइनिंग लेटर देना था, तो उनको किसी तरह से रेलवे के हॉस्पिटल वाले खुद वार्ड में एडमिट करके, उनको नॉर्मल मेडिसिन दे करके, नॉर्मल करके उनको फिट सर्टिफिकेट दिए ताकि उनका ज्वाइनिंग लेटर मिल सके, लेकिन फिर भी किसी किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया उस दिन, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, वो लोग हॉस्पिटल में ही रह गए। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को सिंसियरली ध्यान में लेते हुए आप अपना हो सके तो मेडिकल चेकअप जो है दोस्तों बढ़िया से एक बार करा लीजिए, और डॉक्टर के सलाह के अनुसार हेल्दी फूड का जो है सेवन करिए, ताकि आप मेडिकल में जो है बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त पाए जाएं और आपको ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द मिल सके, हमारी यही कामना होगी। बाकी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई आपके पास क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।